मैं चले आया अरफ इको रिसोर्ट पे, तो दूर से देखने में तो एकदम कलरफुल लग रहा है, बहुत बहुत। इधर से कंचनजंगा का व्यू भी बहुत ही अच्छी तरह से दिखेगा उधर। दिक्कत से ज्यादा मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। और इधर जो एडवेंचरस चीज मैं आरोप इको रिसोर्ट, उधर बहुत सारे चीज आपको दिखने को मिलेगा, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। रिसोर्ट बोल सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छा सा जगह है के ऊपर बनाया गया है। तो आके आपको पहले चीज देखने को मिलेगा, मयूर देखने को मिलेगा। और एक खासियत है इस जगह का, इधर आपको हाथी भी देखने टाइप का मजा लेना चाहते हो तो प्लीज इधर चले आइए, बहुत अच्छा सा जगह है। बहुत जंगल की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं मयूर मिलता है देखने को या आपको ठीक इस टाइप का व्यू देखने को मिलेगा। तो अभी शाम के समय स्नैक्स दिया, ये हाथों से बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, छुट्टी और असाधारण लग रही है। चलो देखिए अरब इको रिसोर्ट पे, चलिए आपको घुमा देते हैं। कहाँ से ये ड्रैगन फॉल का पेड़ है, इधर में जो इधर का जो नज़ारा मिलेगा, एक तरफ हम लोग का टी गार्डन है, दूसरा तरफ मेरा पहाड़ देखिए, उधर में देखिए पहाड़ है, नदी है, शाम का टाइम में हाथी भी आ जाते हैं। अगर मेरे व्यूअर्स आपको डिस्काउंट वगैरह मिलेगा क्या? एकदम। अभी मैं चले आया अरफ इको रिसोर्ट पे, तो देखिए इधर बहुत बहुत ही मज़ेदार जगह है, दूर से देखने में तो एकदम कलरफुल लग रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा सा लग रहा है नज़ारे। तो देखते हैं अंदर जाके क्या होता है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। दोस्तों ये जगह का नज़ारा देखिए कितना मस्त लग रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, दारुण लग जा। वो देखिए वॉच टावर, अगर ठीक होता तो मैं इसके ऊपर चढ़ के यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन वॉच टावर ख़राब है। फिर भी इधर से जगह का नज़ारा देखिए, अभी भी आसमान पूरा साफ भी नहीं हुआ है, फिर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारे, बहुत बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। और उधर झंडिल, हाँ उधर से टी गार्डन भी है, और उधर से कंचनजंगा का व्यू भी बहुत ही अच्छी तरह से दिखेगा उधर से, तो यही बोले। और इधर जो टी गार्डन है, टी गार्डन के अंदर बहुत सारे पीकॉक देखने को मिला मुझे, मैं आते समय देखा, रुक के जब वीडियो खींच करने गए थे तब भाग गया। दोस्तों मैं इधर जब अरफ इको रिसोर्ट में आए थे लगभग 12 बजने की कगार पे, 2 मिनट इधर उधर हो सकता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊँगा, मैं सीधा जो अपने व्यू पॉइंट में जाना हूँ उधर मैं दिखाऊँगा। दोस्तों इधर बाइक चला के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ये जो नरम रेत की जगह है, इधर जो पिछला वाला टायर है वो अंदर घुस जा रहा है, अगर मैं इधर स्पीड कम कर दूंगा तो इस वजह से दिक्कत भी हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है, लेकिन दिक्कत से ज़्यादा मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। और इधर जो एडवेंचरस चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, वो मुझे बहुत बहुत ही खुशी दे रहा है। दोस्तों सुबह सुबह आपको दिखाए थे जो रिसोर्ट पे हम लोग आए थे, सुबह नहीं दोपहर को 12 बजे या 12:05 तक आए थे, बीच पे इतना अच्छा रोड मिला था तो वो फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चला गया। तो रिसोर्ट का होमस्टे का नाम है आरोप इको रिसोर्ट, उधर बहुत सारे चीज़ आपको दिखने को मिलेगा, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। पहले उधर चेक इन करके सामान रख के फिर हम लोग आए, जगह का नाम है पाथोर छोरा, आप पाथोर झोरा जगह का नाम है। तो इधर आए हैं हम लोग, वो ये भी भैया है जो रिसोर्ट है, रिसोर्ट के मालिक, बहुत ही अच्छा सा जगह के ऊपर
ये जो रिसोर्ट या इको रिसोर्ट बोल सकते हो आप लोग, बहुत ही अच्छा सा जगह है के ऊपर बनाया गया है। तो दोस्तों ये भी और एक भैया है विश्वजीत, तो हम तीनों घूमने के लिए आए। इधर आके आपको पहले चीज़ देखने को मिलेगा, मयूर देखने को मिलेगा, पिकॉक देखने को मिलेगा, বাংলায় ময়ূর বলে যায়। হোক ময়ূর এখানে প্রচুর আছে, প্রচুর, বিশেষ করে বিকেলবেলা যদি এখানে আসা যায় লগভগ সামকে 4 বাজে ইয়া 4:30 বাজে কে বাদ, তো ইধার বহুত জাদা আপকো পিকক দেখনে কো মিলেগা। সব ঝুন পে রহতে হে উধার, আপ লোক সাউন্ড সুন সকতে হো ইয়া নেহি পাতা নেহি, সব উস ঝুন জঙ্গল কে অন্দর সব ঝুন বানা কে রহ রহা হে। অভি শাম কে সময় আয়েগা জব বাগান কে চায় বাগান কে উপর উধার যায়েগা। और मैं जो मज़ा किया इधर आके बाइक चला के एकदम नदी के ऊपर, तो अभी मैं सूखा हुआ घीस नदी के ऊपर बाइकिंग किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग भी इस टाइप का मज़ा लेना चाहते हो तो प्लीज़ इधर चले आइए, बहुत अच्छा सा जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, और बाइक चला के तो बहुत मस्त आएगा। और सबसे और एक खासियत है इस जगह का, इधर आपको हाथी भी देखने को मिलेगा। इधर आके बहुत सारे हाथी का मलबा इधर नीचे गिरा है, और सबसे ज़्यादा हाथी देखने को मिलेगा जब धान की खेती होता है, धान चाष जखन है ना तखन एखाने प्रचुर आपनी हाथी देखते पारबेन, ज़्यादा शोर रहता है उस टाइम में जब धान की खेती होता है। तो पहले आपको जगह का नज़ारे दिखा देते हैं, ये मेरे धन्नो हैं और ये देखिए जगह कैसा लग रहा है आप बोलिए। आपने छोटा छोटा शॉट तो देखे ही होंगे, मैं अपने बाइक्स लेके इधर बहुत जगह पे इधर उधर कर रहा हूँ। इखाने बाइक चलिए जब मजा पे ना, आमी सत्यि दारुण मजा पे एकदम, और बिल्कुल आप ऑफ रोडिंग का मज़ा इधर आप लोगों को मिलेगा। और ऑफ रोडिंग तो भयानक ऑफ रोडिंग है, मेरा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं ऑफ रोडिंग भयानक तरीके से किया। और ख़ास करके वो जो मैंने इंजन गार्ड लगाया हूँ, इंजन गार्ड, बैश प्लेट या जॉल गार्ड जो भी बोलते हो, वो बहुत बहुत ज़्यादा काम का है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम का साबित हुआ है। और अभी इधर कुछ ही देर पहले इधर खूब अभी दोस्तों उस जंगल की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं मयूर मिलता है देखने को या नहीं, देखते हैं उधर जाके ही पता चलेगा क्या होता है। अभी जंगल के अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, उधर पीकॉक बहुत ज़्यादा है, झुंड में रह रहा है, मुझे तो लगता है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है शायद। वो देखिए पेड़ के ऊपर, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो देखिए ऊपर दो तीन बैठा हुआ है, शायद ठीक तरह से क्लियर आ नहीं रहा है होगा, तो मुझे दिख रहा है खुले आंखों से। वो देखिए दोस्तों ऊपर ही आए तो इधर देखने को मिला, लेकिन है रियल में, इधर आएंगे तो इधर देखने को मिलेगा। दौड़ के जा रहा वो भाग जा रहा है। और एक मोहतरमा जी देखिए मयूर बैठा हुआ है, जूम करते ही इजी हो गया, पर ये है रियल में, ये है। अभी दोपहर का लंच करने का समय है, दोपहर का लंच करने का समय बहुत जल्दी निकल गए, अभी कर रहे लगभग, टाइम बता रहा हूँ रुकिए एक मिनट, अभी 3:40 हुए दोपहर को, जहाँ घूमने गए थे तो उसी वजह से हम लोगों का टाइम लग गया, तो इस वजह से आना भी लेट हो गया
और जाना भी लेट हो गया और खाना भी लेट हो गया। क्या क्या करूँ, इधर आए थे 12 बजे के करीब, इधर से निकले 12:40 को और उधर घूम। इतना अच्छा सा जगह है ना, तो क्या बोलूँ, आने को मन नहीं कर रहा था। उधर गए तो थे लेकिन बैठ के घूम के जो मजा आ रहा था तो भूख निकल गया। भूख क्या चीज़ है वो पता नहीं चला, तो अभी इधर आए वो जगह छोड़ के भूख लग रहा है। क्या करूँ, नज़ारे को देखते हुए जो फीलिंग्स है उस फीलिंग्स में ही भूख चला गया। अभी भूख भी लगी है, खाना भी आएगा, दोपहर का खाना शाम में खा रहे हैं हम लोग। मैं आपको दिखाऊंगा जगह का नज़ारे, बहुत ही मस्त जगह है। अभी खाते हुए इस टाइप का नज़ारे आप लोग देख पाएंगे, ये देखिए। खाना लेके आ गया दोपहर का, तो पहले दिखा देते हैं आगे। तो पत्ता गोभी है, भात चाल का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, और ये दाल है दे दिए, और अंडा करी है। अभी खा लेते हैं, ठंडा ठंडा वेदर आ चा तो एक गरम खावाटा ठंडा ते दारुण लगे। बहुत बहुत ही स्वादिष्ट पकाया हुआ खाना है। आपको ठीक इस टाइप का व्यू देखने को मिलेगा। कैमरा से तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन खुले आंखों से बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैं ये बात एकदम बोल जेन्युइनली बोल सकता हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के 6:30 बज चुका है, तो अभी शाम के समय स्नैक्स दिया, ये हाथों से बनाया हुआ रोल, एग रोल बना के दिए, और चाय भी आएगा अभी। दोस्तों रात के समय लंच किए थे, बहुत देर हो गया था लंच करते समय। चिकन था, दाल था और एक सब्जी था और प्लेन राइस। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, सत्यि असाधारण लगे। चलो देखिए, जस्ट असाधारण, दारुण लगे जगह, बहुत ज्यादा मस्त जगह है। एकदम सुबह सुबह अगर धूप खिलता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ओदलाबाड़ी। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले मेरे साथ आप भी ये व्यू का नज़ारा ले सकते हो अगर आप लोग इधर आते हो। तो देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं ना, अगर धूप खिलता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। अभी आसमान में बादल है तो ज्यादा अच्छा सा व्यू नहीं दिखेगा आपको। देखिए 360 दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। तो पहले बोलिए कैसा लग रहा है ये जगह का नज़ारे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम ऑफबीट जगह पे ये जो गेस्ट इको रिसोर्ट है एकदम ऑफबीट जगह पे है। आप लोग इधर भी आके रह सकते हो अगर ऑफबीट डेस्टिनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और
मैं कल तो गए थे एक जगह पे नदी के ऊपर बाइक चलाया, अभी नदी में उफान नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है, तो इस वजह से उफान नहीं है। इधर थोड़ा बहुत पानी बह रहा है, ये देखिए पानी बह रहा है। तो दोस्तों देखिए अभी बारिश का मौसम नहीं है तो इस वजह से पानी इतना तक है। पहले हम लोग जो गए थे पाथर छोरा या पाथर जोड़ा, उस जगह पे भी पानी का नामो निशान नहीं है, फिर भी इधर थोड़ा बहुत पानी बह रहा है। आपने देखा होगा अभी पानी का हालत कुछ बुरा है क्योंकि पानी में मिट्टी आ रहा है, उधर खुदाई का काम चल रहा है तो इस वजह से पानी का कलर थोड़ा सा गंदा है। अगर वर्षा के टाइम में आते हो इधर पूरा पानी भर जाता है, वीडियो मैं दे दूंगा, सोर्स भाई जो यहाँ के मालिक है उन्होंने मुझे दिया, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। खास करके ये जो जगह है ना एकदम ऑफबीट जगह पे है, इधर पूरा डिटेल्स मैं भैया के मुंह से सुनाऊंगा आप सबको। मैं जिस रूम पे रहा भैया के बाजू में ही रहा, एक रूम पे तीन जन रह सकते हो वो रूम मुझे दिया, और बाजू में भी और कुछ रूम है, लगभग 12 से 14 रूम है। और दोस्तों और एक चीज़, इधर इको रिसोर्ट पे बहुत सारे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, पहले रिसोर्ट घूम लेते हैं। और जो आप लोग जहाँ पे रहेंगे उसके पीछे से रूम के नज़ारे कैसा है वो पहले आपको दिखाते हैं। चलिए अरब इको रिसोर्ट पे चलिए आपको घुमा देते हैं। कहाँ से शुरुआत करो, इधर भी है उधर भी है, इधर इधर से स्टार्ट करते हैं। चलिए ये रूम भी एक ही जैसा है, ये देखिए टीवी लगाया है, सेंटर टेबल भी है, अलमारी है, सोफा है, बेड भी है, और टॉयलेट तो वही जैसा होगा तो नहीं दिखाएंगे। ठीक ऐसा व्यू देखने को आपको मिलेगा, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा नजारे, और देखिए हर एक जगह से एकदम सुंदर सा मस्त सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये कॉटेज कुछ ऐसा दिखता है, ये हमेशा बुक्ड रहता है तो ये दोनों रेंट पे कभी नहीं देता। बहुत सुंदर सा नज़ारा, शायद ये कुछ मंदिर करेगा ऐसा लगता है। तो 3 बेडरूम है, देखिए 2 इधर 1 इधर। इसका वॉशरूम देख लेते हैं, कुछ अलग सा हो सकता है। हाँ इसका थीम थोड़ा सा अलग है, एकदम साफ सुथरा है लेकिन थीम अलग है इस बाथरूम का, अदरवाइज सब कुछ एकदम बढ़िया है। लाइट बंद कर देते हैं, लाइट बंद कर देते हैं, वो नहीं दिखाए क्योंकि सब कुछ एक ही जैसा ही तो है ना। ठीक वो रूम के बाजू में और एक रूम का सेटअप है, कॉटेज टाइप सेटअप है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कितने सीटिंग का ये रूम है। चलिए ये दोस्तों 4 लोगों के लिए ये रूम है, देखिए 2 जन इधर 2 जन इधर, बीच में एक वार्डरोब दिया हुआ है, और इसका बाथरूम भी देख लेते हैं।
पहले लाइट जला लेते हैं या बाथरूम के अंदर। एक ही जैसा है, पिछले वाले जो देखे थे वही एक ही जैसा है। देखिए बहुत बढ़िया सा रूम है, साफ सुथरा है, एकदम नया सा रूम, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और बेडरूम का हालत बहुत ही बढ़िया है। और इधर से भी बहुत ही मस्त आपको व्यू देखने को मिलेगा। देखिए अगर आप लोग इधर बैठ के कॉकटेल मॉकटेल खाते हुए नज़ारे का लुक बहुत ही बढ़िया से उठा सकते हो आप लोग। और बाजू में और एक भी रूम है, शायद ये कितने रूम नंबर 4 है, 4 और 3। और वो जो दिखाए थे 3 पर्सन का सीटिंग साइज है, वो बेड है शायद 5 या 6 होगा। देखिए उधर सब रूम के अंदर से बहुत ही मस्त सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। अभी धुंधला है, कल भी मौसम ऐसा था, आज भी मौसम ऐसा है। अगर धूप खिलता है जो व्यू देख रहे हैं ना, बहुत ही क्लियर आएगा आपको, एकदम दारुण व्यू है। और दोस्तों रूम से निकलते हुए फिर आपको डाइनिंग प्लेस मिलेगा और बाहर जाने का गेट भी मिलेगा आपको इधर ही। और यहाँ पर मैं ठहरा हूँ, वो जगह बाहर से कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। देखिए तो दोस्तों इधर से नज़ारे का व्यू आपको दिखा दिए इधर से, और अभी दिखाते हैं इधर से, चलिए मेरे साथ। दोस्तों थोड़ा सा बोर कर देता हूँ आपको, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल्स देने की कोशिश करता हूँ। और देखिए इधर से देखिए पूरा नज़ारा, इधर देखिए टी गार्डन है। और इधर नींबू का पेड़ लगाया हुआ है, 2-3 महीने के अंदर फल आ जाएगा पेड़। ठीक है देखो व्यूटा की असाधारण लग गए, बहुत ही बढ़िया सा व्यू आ रहा है इधर से। देखिए देखिए ये कौन सा फल का नाम है पता नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा बटा है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चटका। बांगना है, नूर फल, रुआल फल, है तो आरो अनेक किचु नाम आछे बोले थाके। टॉक खूब हिंदी ते की बोले हमें जानी ना, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, अगर रिसर्च से पता चलता है तो मैं दे दूंगा। और इधर अंदर सबसे पहले आम का पेड़ देखने को मिलेगा आपको, और ये देखिए ये ड्रैगन फल का पेड़ है, अभी 2-3 महीने के बाद इसमें फल आ जाएगा। काश मैंने 2-3 महीने बाद आने की सोचता, अफसोस होता है, अगर फल आते तो साबुत हाथ से तोड़ के खाने का मजा ही बहुत अलग होता है बॉस। तो अभी 2-3 महीने बाकी है इसमें फल आने के लिए, तब जब फल आएगा हर एक पेड़ में बहुत ज्यादा, लगभग 3-4 फल एक साथ आएगा ऐसे मुझे बोला गया है। तो बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन फल का बगीचा है इधर से। देखिए देखिए शायद आपको ट्रेन का हॉर्न भी सुनाई दे रहा होगा। देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा ड्रैगन फलों का पेड़ है इधर। दोस्तों अगर आप लोग हाथों से ड्रैगन फल तोड़ के खाना चाहते हो, ये फरवरी चल रहा है, 2-3 महीने बाद अप्रैल मई महीने में अगर आप लोग इधर आते हो तो बहुत सारे फल आपको देखने को मिलेगा,
उधर जो संतरे का पेड़ है उधर ही उधर भी संतरा आ जाएगा ऐसा बोला गया है। फिर भी मैं बाद में आने की कोशिश करूँगा, आऊँगा ज़रूर, जब ये ड्रैगन फ्रूट्स और संतरे उगेगा पेड़ से तब मैं इधर ज़रूर आऊँगा। ये सामने जाते हुए ये किचन रूम है, ये आर्यन है और ये नवीन पटनायक जी का छोटा साला है, इसका नाम भी नवीन है। मैं अपने धनों को इधर पार्क करके रखा है क्योंकि रात में बूंदा बूंदी बारिश हो रहा था तो इस वजह से मैंने इधर पार्किंग करके रखा है। और वो देखिए बेचैनी से बिना खौफ से घूम रहा है। और इधर देखिए डाइनिंग प्लेस और मेरा रूम है इधर, इधर भैया रहते हैं और ये मेरा रूम है, रूम नंबर 2। हमारे रूम कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, सिंगल बेड डबल बेड, यहाँ पर सोफा है, टी टेबल है, मैंने सब अपने सामान बिखरा के रखा है जैसा कि मैं करता हूँ, सब कुछ सामान बिखरा हुआ है। टॉयलेट भी दिखा देते हैं, ये है हमारे वॉशरूम, बहुत ही बढ़िया है देखिए। मैं चौंक गया था इस मोहतरमा को देख के, बहुत ही बढ़िया सा वॉशरूम है। हर एक वॉशरूम में ये गीजर लगाया हुआ है, शायद एक दो को छोड़ के आप पूछ लीजिएगा। तो हमारे ब्रेकफास्ट आ गया, आखिरी दिन का ये ब्रेकफास्ट है, बहुत ज्यादा देर हो गया है, लेट हो गए हम लोग। ये ब्रेकफास्ट दम आलू और रोटी दिए हैं और ये जो हम बोले थे पटनायक विनायक नवीन पटनायक सॉरी नवीन पटनायक, तो ब्रेकफास्ट करके फटाफट से निकल जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया है। अभी 9:45 हुए, मुझे निकलना था लगभग 8:30 से 9 के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया, फिर चटपट ब्रेकफास्ट करके फिर से निकल जाएंगे। हाँ, निकलने से पहले इधर का जो मालिक है, मालिक से कुछ बात तलब करेंगे उसके बाद निकल जाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए और पूरा डिटेल्स में जो यहाँ के ऑनर है उनके जुबानी आपको सुनाएंगे। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, यही तो चाहिए। तो अभी पूरा पैक हो गया, पूरा लोड हो गया हमारे धनों। तो जाने से पहले जो भैया है भैया से कुछ बातचीत कर लेते हैं, तो चलिए भैया से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं इधर के मालिक से बात करवाता हूँ आपसे, संजय भैया, ये है संजय भैया, इन जो इको रिसोर्ट है ये इको रिसोर्ट का मालिक है, मेरे पास बैठा हुआ है। तो भैया कुछ बारे में बताइए। ये रिसोर्ट का नाम है अरब इको रिसोर्ट, ठीक है, आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, अरब इको रिसोर्ट डुअर्स ऑफ बीट, अरब इको रिसोर्ट डुअर्स ऑफ बीट। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी छोड़ दूंगा, इस जगह का जो लोकेशन है वो लोकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और ये कौन सी जगह पे स्थित है? ये है उदलाबाड़ी से मानाबाड़ी आना पड़ेगा, मानाबाड़ी टी गार्डन, उसका बगल में बाजबाड़ी बोल के एक छोटा गाँव है, वो गाँव में अवस्थित है। अगर आप लोग खुद के गाड़ी से आना चाहते हो तो आ जाएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग ट्रेन से आना चाहते हो तो एक्सप्रेस ट्रेन शायद माल बाजार रुकता है, उधर आके आप लोग गाड़ी से भी आ सकते हो, या भैया को बोलेंगे तो भैया खुद के गाड़ी है, खुद के गाड़ी भेज देगा, ड्रॉप करेगा। और साइट सीन भी बहुत सारे जगह है, आप लोग भैया से बात कीजिएगा, भैया बोल देगा और पैकेज के बारे में भी बोल देगा। तो भैया कैसा कैसा रेट चलता है इधर?
रेट के लिए आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? हम इधर रहते हैं तो रेट के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए बोल रहा है। इधर में बीच में कोई एजेंट नहीं ये होगा, ठीक है? इसलिए रेट हम कर देंगे, इधर से कोई मायूस होकर नहीं जाएंगे, ये बात हम बोल सकते हैं। और इधर में जो इधर का जो नज़ारा मिलेगा, एक तरफ हम लोग का टी गार्डन है, दूसरा तरफ मेरा पहाड़ देखिए, उधर में देखिए पहाड़ है, नदी है। कभी कभी इधर में शाम का टाइम में हाथी भी आ जाते हैं, ठीक है? थोड़ा नेट मेट भी उधर हमारा गिरा दिया हाथी ने, मयूर भी आता है कभी कभी, लेकिन थोड़ा दूर आधा किलोमीटर भी नहीं होगा जाने से हम लोग का पूरा मयूर मिलते हैं, कल दिखा दिया। और अगर मेरे व्यूवर्स आपको फोन करता है मेरे चैनल के नाम से, माइल्स बेकर के नाम से, कोई डिस्काउंट वगैरह मिलेगा क्या? एकदम 100% डिस्काउंट मिलेगा, चैनल से माध्यम से आने से तो डिस्काउंट देना ही पड़ेगा भैया, मेरा लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमको तो कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो। और एक बात है, हम लोग के इधर से पूरा डुअर्स घुमाते हैं, ठीक है? झालांग बिंदु जो होता है ना, 7 पॉइंट, वो भी घुमाते हैं। इधर से हम लोग जंगल सफारी करते हैं, सब करते हैं हम लोग इधर से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गेस्ट का कभी गेस्ट आएगा तो अच्छा ही लगेगा। हाँ, एक बार आके देखिए, और फोन नंबर भी दादा दे देगा। हाँ, फोन नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, वो भी देख लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा। अगर आप कोई भी ऑफबीट स्पॉट जाना चाहते हो, आपको पता नहीं, भैया आपको सजेस्ट कर देगा, इसके लिए थोड़ा सा जो चार्ज लगेगा। और नज़ारे तो एकदम भरपूर लुत्फ उठा सकते हो, मैं अपने रूम से आपको दिखाए थे कितना अच्छा सा नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर आप लोग कुछ पीना वगैरह चाहते हो तो इधर आके बैठ के बहुत सारे मौज मस्ती कर सकते हो, बारबेक्यू वगैरह सब कुछ। और 2-3 महीने बाद, अभी फरवरी चल रहा है, 2-3 महीने बाद वो मैंने पेड़ तो दिखाए थे, ड्रैगन फ्रूट्स का, वो संतरे का पेड़ भी है, आम का पेड़ भी है, बहुत सारे फ्रूट का पेड़ भी है। आप लोग आके भैया से पूछ के एकदम हाथों से तोड़ के खा सकते हो, उसका लुत्फ उठा सकते हो, वो जो मज़ा है वो मज़ा आप लोग ले सकते हो। अगर बगीचा है, बगीचा से तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ अलग सा होता है, एकदम। जल्दी से भैया को फ़ोन कर लीजिएगा। और इधर से पूरा सिक्किम का ट्रिप भी हो जाता है, एकदम ऑफबीट जगह है बहुत, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, सिक्किम, बहुत जगह आप लोग इधर से भी घूम सकते हो। और भैया का दूसरा भी एक गेस्ट हाउस है, कहाँ पर? दूसरा जगह में, हमसे दूसरा जगह नहीं, 2 जगह में है, लाभा में भी है और ऋषभ में भी है, ठीक है? हम हमारा खुद का है, और हम इधर से सभी करते हैं, जैसे गैंगटॉक करते हैं, दार्जिलिंग करते हैं, इधर जुलुक करते हैं, इधर से सभी करते हैं हम, ठीक है? सब मेरा दोस्त लोग का है, आप लोग का थोड़ा कम अमाउंट में अच्छा करके घुमा देंगे, कोई जरूरत पड़ेगा तो हमको जरूर फोन कीजिएगा, भैया सब दे देगा उधर। और ये भैया भी इधर का नहीं है, हमारे कोलकाता का है, बाटा नगर का है, तो भैया रहता है, बीच बीच में आना जाना रहता है। भैया का फोन नंबर मैं दे दूंगा, करेगा। और खाना बहुत ही बढ़िया है, मैंने तो आपको कुक दिखाए थे, वो तो क्या नाम था शायद, पटनायक नवीन जो खाना बनाया, उसका हाथों का खाना एक बार खा के देखिएगा, घर जैसा फीलिंग्स आपको देगा ये। और दूसरा कुक है वो घर गया, लेकिन थैंक गॉड जो वो नवीन कुक है वो मुझे मिला, क्योंकि मुझे मेरा पेट अच्छा रखना था, मुझे और भी ट्रिप आगे बढ़ाना था, तो इस वजह से जो खाना मुझे प्रोवाइड किया बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किए। तो दोस्तों, अगर आप लोग इधर आना चाहते हो, प्लीज़ भैया से कॉन्टेक्ट করুন। আর ডিসক্রিপশনে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আপনি প্লিজ ডিসক্রিপশনে ফোন নিয়ে ফোন করুন দাদাকে। ফ্যামিলির সঙ্গে আসতে চাইলে ফ্যামিলির প্যাকেজও দাদা আপনাকে বলে দেবে। মেয়ে আভি অকেলে তো আয়া হুম, মে ফ্যামিলিকে সাথ ভি আউঙ্গা বাদ মে, ইয়ে মেরা গ্যারেন্টি হ্যায়, জব মে ফ্যামিলিকে সাথ আউঙ্গা তব ফির ভি মে ব্লগ করুঙ্গা। তো দোস্তো, अभी ये ऑफबीट जगह के लिए इतना ही है, अभी मैं अपने डेस्टिनेशन असम पे जाऊंगा। तो थैंक यू दादा, फिर से आपके साथ मुलाकात होगा, तो थैंक यू। दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगा,